हेलो व्यूअर्स, आज मैं आया हुआ हूँ अपनी हवेली में बैंगन की सब्ज़ी के लिए बैंगन तोड़ने। तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स को भी दिखा दें बैंगन की तोड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं कुछ हरे बैंगन के पौधे। सर्दियों में यही वो पौधे थे जिन पर ठंड का सबसे कम प्रभाव पड़ा और कुछ ना कुछ फूलते रहे। ये देखिए कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। ये देखिए, रूह खुश हो जाती है इतने सारे बैंगन देखकर। यही वो पौधे हैं जो जिन पर सबसे कम ठंड का प्रभाव पड़ा और इन पर थोड़े थोड़े लगते भी रहे सर्दियों में भी। लेकिन यहाँ पर दो पौधे थे बैंगन के, वो पूरी तरह से सूख गए ठंड के कारण। वो पर्पल बैंगन थे, ये ग्रीन वाले हैं। बैंगन को तोड़ने का ये काफ़ी आसान तरीका है। अगर आपके पास चाकू या कोई नुकीली चीज़ नहीं है, यहाँ से पकड़ें, डंडी को पकड़ें और अंगूठे से दबा दें। तो ये नीचे मैंने इनके ब्लॉक रखे हुए थे क्योंकि ये ज़मीन से टच कर रहे थे, तो ज़मीन से टच करने पर कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो इनको हम यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन पौधों पर कितने सारे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, फूल ही फूल है। इनमें से मोस्ट बैंगन बन जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ बैंगन छुपे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी है। बड़े बड़े तोड़ लेते हैं, छोटे फिर तोड़ लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी है। और भी ढूंढते हैं, चलिए जब तक इसको रख लूं। यहाँ पर फूल तो काफ़ी खिले हुए हैं, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर बैंगन नहीं है। तो चलिए, ये देखिए सफ़ेद बैंगन का पौधा। इसमें छोटे 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 बैंगन तो बहुत सारे आए हुए हैं, ये देखिए। लेकिन तोड़ने वाले कम हैं, फिर भी दो तीन तोड़ ही लेते हैं इसमें से, ताकि नए आ रहे बैंगन अच्छे से बढ़ पाए। चलिए अब ये देखिए जामनी बैंगन, ये देखिए। इस पर भी ठंड की मार पड़ी, लेकिन ये बच गया किसी तरह से। और अब दोबारा से आशा करता हूँ कि ये फल फूल जाए। देखिए, आप भी ऐसे सब्जी लगाएं, अगर आप नहीं लगाते तो इससे काफी खुशी मिलती है और पर्सनल वेलबींग अच्छी रहती है। ये पौधे पर कुछ पुराने लगे हुए बैंगन थे जो ठंड के कारण बढ़ नहीं पाए और अब थोड़ी अजीब सी सिचुएशन में है, लेकिन देखते हैं घर जाकर। उधर से जाकर भी तोड़ लेते हैं। ये देखिए, जो बैंगन ऐसे जिनकी चमक चली जाए और थोड़े सफ़ेद हो जाएं, इनमें बीज पड़ चुके होते हैं, ये पक जा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे जब घर जाएंगे। देखिए, अभी बसंत का मौसम चल रहा है तो आड़ू के पेड़ पर भी अच्छे से फूल खिल रहे हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं। अच्छा हो कि इन पर अगर फल आ जाए। ये लीची का पेड़ है और ये देखिए, एक दो दिन पहले मैंने कीवी का पेड़ लगाए दो। देखिए, चलिए कुछ और बैंगन तोड़ते हैं। ये एक और जामनी बैंगन का पौधा है जो धनिए के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से कल धनिया उखाड़ा गया, काटा गया।
ये देखिए, ये मुझे लग रहा है अंदर से नए फूल निकलने वाले हैं, तो ये दोबारा से ठीक हो जाएगा पौधा। ये बैंगन देखिए ख़राब होकर फट गया है, तो इसको मैं अपनी कंपोस्टिंग वाली जगह पर फेंक देता हूँ। ये इधर से तोड़ते हैं, ये देखिए कितना अच्छा बैंगन है। ये देखिए हरे बैंगन कुछ और, ये हरे बैंगन तो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, अभी काफ़ी बड़े हो जाएंगे जब आगे लगेंगे, लेकिन ये सर्दियों में से शुरू हुए हुए हैं इसलिए ये ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे, वरना ये तो बाजू जितने लंबे भी हो जाते हैं, फोर आर्म जितने। और देखते हैं, ये देखिए एक बैंगन लगा हुआ है लेकिन ये खराब हो चुका है, इसको हम फेंक देते हैं अपनी कंपोस्टिंग वाली जगह पर। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा बैंगन है, और यहाँ नहीं दिख रहा। देखिए कुछ मैंने मिर्ची और शिमला मिर्ची के पौधे लगाए हुए हैं, इस पौधे पर भी कोई बैंगन नहीं है, अभी ये बड़ा पौधा रह गया। ये दोस्तों पूरे का पूरा एक ही पौधा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये पहले तो और भी बड़ा था, सर्दियों में थोड़ा सूख गया। इस पर अभी छोटे छोटे बैंगन आ रहे हैं काफ़ी, इन तोड़ने वाले भी हैं। ये देखिए और ये देखिए, ये कुछ ये मोटा मुड़ गया है लेकिन शायद ये और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसे भी तोड़ लेते हैं और देख लेते हैं कोई। ये सारे छोटे छोटे हैं, ये तोड़ सकते हैं हम। बाकी तो छोटे छोटे ही हैं। चलिए मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी हो जाएंगे, तो एक बार की तो हमारी सब्जी बन ही जाएगी, 5-6 मेंबर हैं हम। तो चलिए फिर वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं, उम्मीद है कि आपको बैंगनों की हार्वेस्टिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और आने आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।